सुषमा? हाँ, उसके कपड़े मिले हैं। डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले नैने वकील और अब मैं भी सुषमा, और इसके बाद किसी का भी नंबर आ सकता है। तुम साथ में हो ना? पर उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है ना। मैंने पहले ही बताया था कि इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, फिर भी नीलिमा भाभी। माधव, माधव, माधव भैया, मैं आपको एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नाते नहीं, एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूं, उन्हें रोकिए, चीजें बेकार में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, प्लीज। हाँ हाँ, मैं बताता हूं उसे। नीलिमा, नीलिमा रुको। नीलिमा प्लीज रुक जाओ। देखो माधव, अगर तुम्हें नहीं आना तो तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन अब हम निकलते हैं। नीलिमा हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बाहर आओ। यहाँ क्या हुआ है ना, उसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है, और अगर ऐसे में तुम लोग गए ना तो तुम लोग फंस जाओगे। क्या हुआ है अब? नीलिमा, अभी अभी विश्वास राव की फोन पर बात हुई है, सुषमा के कपड़े मिले हैं। You mean? हाँ, डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन उसे भी किसी ने मार दिया होगा। शुश्लिया, यही है ना तू? मुझे पता था कि तू यही मिलेगी। पर ऐसी हालत में दिखेगी ये नहीं लगा था मुझे। जान चली गई ना तेरी। अच्छा हुआ घर से पनौती चली गई। नाइक के घर के लोगों को पानी से धोखा है और तू पानी के पास आई। पानी ने तुझे वश कर लिया, बावड़ी में डूब के मर गई तू। माई, माई, क्या हुआ? अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ। आता हूँ। क्या क्या कर रही हो? वो देख, कौन है? कौन है? सुषल्या। सुषल्या? हाँ। कहाँ है सुषल्या? अरे फोन दे, देखा? माई, माई मुंडी छोड़ी है, माई मुंडी छोड़ी है, माई। हाँ हाँ हाँ, दिखी सुषल्या, दिखी मुझे। सुषल्या गई, सुषल्या गई। सुषल्या दिखी, अंदर पानी भी गिरी हुई, पूरी सफेद पड़ गई है। गई सुषल्या, गई गई सुषल्या, गई गिरी गई गई। गुड, सही निर्णय लिया। हाँ, जाना अलाउड ही नहीं है। और मिसेस नीलिमा, आपके चाहे कितने भी ऊपर तक कॉन्टैक्ट्स हो, मुझे उसका डर मत दिखाना। ऐसे कॉन्टैक्ट्स अपने जेब में रखता हूं। हाँ? मतलब हमारे सीनियर्स ने ऐसा हमें सिखाया है। विश्वास राव, वी आर रियली सॉरी। हे बड़ी, सॉरी किस लिए? वी आर, ठीक है। मैं डर कर नहीं रुकी हूं विश्वास राव। इस घर में किसी की जान खतरे में है, इसीलिए रुकी हूं मैं। आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला कि जान खतरे में है? विश्वास राव,
अरे उसका वो मतलब नहीं था, प्लीज छोड़ो ना ये नहीं मतलब मेरे कहने पर विश्वास नहीं है। अजीब है यार माधव भैया, आजकल किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। गई सुशला, गई सुशला, गई। क्या बक रहा है? वो क्या? अरे अभी कुछ बड़बड़ा रहा था ना तू। हाँ अभी मैं भूल गया। अरे पगले अभी कुछ सुशला सुशला बोल रहा था ना तू। हाँ याद आ गया, सुशला दिखी। क्या? हाँ सुशला सुशला गई, सुशला बावड़ी में गिरी, सफेद पड़ गई, गई सुशला आई के पास चली गई। अरे तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है? मैं नहीं, माई बोल रही है। वो देखो आई। चल चल मेरे साथ, हम चलते हैं उनके पास। नहीं चाहे ताई, आप जाइए, मैं अंदर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? चल चल मेरे साथ चल। नहीं नहीं, देखते हैं हम भी। आई चाहे ताई नहीं। आई आई भाई रुक, पानी के पास मत आना, पानी तुझे खींच लेगा, तू भी जाएगी पानी में, कोई भी नहीं आना। चल बिचार बिचार। अरे पर आई, एक बार कहा ना तुझे। छाई ताई, मैं दत्ता भाऊ को जाकर बताता हूँ। अरे अरे, बताता हूँ दत्ता भाऊ को। आई मैं देखती हूँ। पीछे रहने के लिए कहा ना, आई तो फिर देख, निकल यहाँ से। दत्ता भाऊ, भाभी। आराम से। माधव भाऊ बोल। मैं वहाँ गया था। कहाँ? वो बावड़ी की तरफ, वहाँ वहाँ माई थी। आई बावड़ी पर गई हुई है? हाँ, बावड़ी में सुशला मरी पड़ी है। मरी पड़ी है सुशला। माधव भैया, दत्ता भैया, अभी आप तीनों मेरे साथ चलेंगे, बाकी सारे यहीं रुकेंगे, कोई वहां नहीं आएगा। चलिए। पीछे हटने को कहा ना तुझे? हाँ तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ मैं, पानी लेकर जाएगा तुझे। सुशला को ले गया। वो देख कैसे पानी में तैर रही है, देख कैसे तैर रही है। रह तू वही रह, कोई नहीं बाहर निकालेगा तुझे, कोई नहीं। आई माधवा, माधवा उनको रोको, सुना वो क्या कह रही है? बावड़ी में सुशला बावड़ी में है ना, वो पांडू बोल रहा था। हाँ सफेद पड़ी है, तैर रही है। मैं वहां से जा रहा था तो हंसने की आवाज आई, मैंने देखा तो वहां माई खड़ी हुई थी बावड़ी के पास। मैंने माई से पूछा क्या हुआ, माई बोली श्श। मैं चुप हो गया। माई ने कहा कि आ और बावड़ी में देखने के लिए कहा। मैंने बावड़ी में देखा तो कुछ नहीं था, फिर माई ने ऐसे दबाकर दिखाया तो मैंने देखा सुशला थी। माई कहती है कि वो उसके आई के पास गई आई के पास। दीदी का हमें देखना पड़ेगा। पीछे हटो कहा ना। अभिरामा तेरे दोस्त को पीछे रहने का बोल। पानी के पास कोई नहीं आएगा, नाइकों को पानी से खतरा है। अब क्या करेंगे? उन्हें बातों में उलझाना पड़ेगा। माई है ना माई, वो किसी को भी बावड़ी के पास जाने नहीं दे रही है, नाइकों को पानी से खतरा है ना। कोई भी मत जाना पानी के पास, पानी से खतरा है ना नाइकों को, खतरा है। और क्या होना बाकी है इस घर में?
अब अगला कौन जाएगा कुछ पता नहीं। सरिता, विश्वास राव आए हैं अभी। उससे तो और डर लगता है। हमने कुछ नहीं भी किया तब भी इल्जाम हम पर ही लगेगा। सरिता देखो, ये पूछताछ खत्म हो गई ना कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म होने तक यहाँ रुकना मतलब बहुत बड़ी परेशानी। माधवा, शिशला मर गई। घर पर बुरी नजर थी ना उसकी, अब भुगत भुगत भुगत। आई के पास गई है ना, गहने चाहिए थे ना तुझे, अब कुछ नहीं मिलेगा। जान चली गई, अच्छा हुआ। जान गई, अच्छा हुआ। आई, छोड़ो छोड़ो मुझे। आई, शांत हो जाओ। शिशला को बाहर मत निकालना। आई, आई, अरे आई, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। मुझे अभिराम, अरे आई, छोड़ो मुझे। मर गई शिशला, मर गई आई, आराम से। शिशला मर गई, अभिराम शिशला मर गई। आई को अंदर ले जाओ। शिशला, शिशला मर गई, शिशला, शिशला मर गई। शेवंता गई, बाबा गए, वकील काका गए, और अब ये सुशल्या। अब क्या होगा, कैसे रहे हम यहां? काकी, अब यहां से कहीं नहीं जा सकते। अभी विश्वास राव ने क्या कहा है आपने सुना ना? पर अब सुषमा को बावड़ी से बाहर निकालेंगे, पूरा गांव जमा हो जाएगा, पुलिस भी पूछताछ करेगी। देविका, तुमने डेड बॉडी देखी क्या सुषमा की? क्या सबूत है? और क्या देखना बाकी है भाभी, पांडू बताकर गया है ना, आई ने भी उसे बावड़ी में देखा है। कोई बता रहा है तो विश्वास कीजिए ना। जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ नहीं देखती तब तक मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। भाभी, वो सुशल्या मर गई है। सुशल्या, तू यहां? तू तो उस बावड़ी में मर गई थी ना, तो फिर यहां कैसे आई? क्या हुआ, मुझे जिंदा देखकर चकरा गई क्या? आप लोग तो मेरे मरने का इंतजार ही कर रहे हो ना। मैं मर गई तो आप सबको तो अच्छा ही लगेगा, पर इतना आसान नहीं है। मैं ऐसे ही छोड़कर नहीं जाऊंगी आपको और घर को। भाभी, भाभी मुझे लगता है कि ये सुशल्या नहीं है, ये सुशल्या की। सरिता, शांत हो जाओ, सुषमा ही है वो। पर अभी तो पांडू ने क्या बताया था? पांडू ने बताया था ना, तुमने देखा था अपनी आंखों से? नहीं ना, तो फिर जब तक खुद की आंखों से देख नहीं लेते तब तक किसी चीज पर विश्वास मत करो। अरे फिर आई ने देखा है, ऐसा उसने ही बताया ना। अरे आई ने देखा था, लेकिन आई की फिलहाल क्या हालत है पता है ना तुम्हें? हर तरफ सुषमा ही दिखती है उन्हें। हर समय मेरे बारे में ही सोचते हैं क्या? इससे अच्छा होगा उनसे कहिए कि घर के लोगों के बारे में सोचिए, नहीं तो पागल हो जाएंगी।
वाह! कहाँ गई थी? बाहर। मजाक करने का वक्त नहीं है ये। बाहर मतलब कहाँ? गांव में। सच में उस बावड़ी में मर जाती तो अच्छा होता। हम वहां नहीं जाते, नाई घर की औरतें जाती है वहां। हम नायक नहीं है। विश्वास राव, कानून का डर जरा इसे भी दिखाओ ना, या वो भाषण सिर्फ हमारे लिए है? आई एग्री, पर आप सब जरा शांत हो जाइए, बहुत चिल्लाते हैं आप लोग। अच्छा सुषमा, तुम्हें पता नहीं होगा इसलिए फिर से बताता हूं, नेने वकील का खून हो गया है और उसकी जांच करने के लिए मैं यहां आया हूं। कानून के मुताबिक तुम गांव से बाहर नहीं जा सकती, और अगर तुम्हें जाना ही है तो मेरी इजाजत लेनी होगी, समझी? ठीक है, अगली बार पता कर जाऊंगी। हाँ, सर। नेवगी। यस सर। लो ग्लव्स पहनो और जरा वहां जाकर चेक करो। यस सर। अभिराम तुम बाहर ही रुको। हाँ, अच्छे से देखना वहां। हाँ यस सर। रुकिए। क्यों री, क्या हुआ सरिता? ऐसे मत चाहिए, इनमें से किसी को अंदर भेजकर खबर दे देते हैं। हाँ बताती हूँ। उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा होगा ना ये सब हमने किया है? जरा चुप बैठ सरिता। भाभी हमने कुछ नहीं किया। अब तो आप यही कहेंगी, आपके बेटे की शादी के लिए निकले थे तब मैं कह रही थी कि मत जाइए, लेकिन ये बोले घर की शादी है, मेरे जाए बगैर कैसे होगी? घर की शादी, घर के लोग, ऐसे निकले? पर काकी, वकील काका तो शादी में आए ही नहीं। कैसे आएंगे, क्या हालत कर दी थी उनकी? अरे आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी दूर हो गई है जो इनको आप लोगों के बारे में थी। मैं अजनबी नहीं हूँ, उनके परिवार का हिस्सा हूँ, ऐसा कहते थे।
आपके सारे काम वो ही करते थे ना, सारे व्यवहार वही देखते थे ना, लेकिन एक पैसे का हिसाब इधर से उधर नहीं हुआ। अन्ना गए तब मैंने उनसे कहा था कि अब उस घर में मत जाना, सब खत्म हो चुका है। तो कहने लगे कि नायकों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, और आपने जमीन के लिए उनकी ऐसी हालत कर दी। सच में हमने कुछ नहीं किया है, हम ऐसा क्यों करेंगे, हमको क्या मिलेगा? अब मिलेगा ना सब कुछ, जमीन मिलेगी। तुम्हारे पति ने तो धमकी भी दी थी उन्हें, घर बुलाकर कितनी बेइज्जती की थी, उनके कागज फाड़ दिए थे, सब पता है मुझे। आपने मेरे पति के साथ जो बर्ताव किया वो अच्छा नहीं था, और अन्ना ने उनको दी जमीन को वापस पाने के लिए उनकी ऐसी हालत कर दी, ऐसा बदला लिया आपने। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पर आप ऐसी गलत फहमी में मत रहिए। झगड़े हुए, पर ये जो कुछ भी हुआ ना, उसमें मेरे बेटों का कोई हाथ नहीं है। किसने क्या किया है ये तो वक्त बताएगा, भुगतना पड़ेगा सबको। मेरे पति की कैसे धज्जियां उड़ा दी, यहाँ यहाँ गर्दन लटकाई हुई थी, खून की धार बह रही थी, नहीं भूल सकती हूँ मैं, भला नहीं होगा आपका। मेरा श्राप है नाइक बाड़े को, आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। ये सब भुगतना पड़ेगा आपको। आई सरिता, चल यहां से। कौन से पेपर्स कहाँ रखने हैं ये बराबर पता था उन्हें तो। अरे होशियार थे वो। क्या हुआ, यहां कुछ मिला तो नहीं, लेकिन ये सारी घटनाएं हमें गुनेगार तक जरूर पहुंचाएगी। पूर्वा, मैडम किन ख्वाबों में खोई होंगी? अरे नई नई शादी हुई है ना, मायके की याद आ रही होगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या लगता है पता है, नई दुल्हन रूठ गई है। तो फिर ये रूठना तो उसका दूल्हा ही दूर करेगा ना। अभिराम नाइक देविका नाइक के लिए पेश कर रहे हैं गाना, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना। अरे बस क्या चल रहा है तुम लोगों का, हंसती हो तो कितनी प्यारी लगती हो, जैसे कोई गुड़िया हो। काकी क्या हुआ? सॉरी पूर्वा, पर गुड़िया का नाम भी मत लो। अरे पर मुझे एक गुड़िया याद आई, अजीब सी दिखने वाली, हमारे यहां लाई गई थी, पेड़ पर लटका दी गई, गर्दन पर वार था। नेने वकील काका के गर्दन पे था वैसा। बिल्कुल गुड़िया जैसी ही हालत कर दी थी वकील काका नायकों ने। सुषमा, तुम्हें मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी बता रहा हूं, तुम्हें जो कुछ करना है करो, लेकिन हमारी फैमिली पर इल्जाम मत लगाना।
आई, बैठिए। यमुना पानी लेकर आ। हाँ। हो आए उनके यहाँ? क्या हुआ, वकील काका के पत्नी से मुलाकात हुई? क्या बोली? अभी जरा शांत रहो ना। आई पानी लीजिए। आई आती हूँ मैं, खाना बनाना है। हाँ जा। आई आप भी आराम कर लीजिए, जाइए। क्या हुआ अब बताओगी भी? क्या क्या हुआ है? जिस बात का हमें डर था वही हुआ। उनकी पत्नी को ऐसा लगता है कि हमने ही उन्हें मारा है। अब बस बहुत हुआ, बहुत बेइज्जती हुई है। अब फिर इस बात को मत निकालना। सर चाबी का क्या? चाबी अपने पास ही रहने दो। हाँ सर। हाँ सर। उस आदमी को यहाँ ले आओ। हाँ सर। रघु काका। अरे चलिए, साहब ने बुलाया है। कहाँ? आप उठिए चलिए। कर रहे हैं दोनों। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पर बैठो, मैं बुलाती हूँ। अरे पर उनको बुलाना पड़ेगा। मैं बुलाती हूँ ना, मैं बुलाती हूँ। तुम यहाँ पर बैठो। हाँ मैं बुलाती हूँ उनको। रघु काका आइए आइए बैठिए। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। अरे बैठिए ना बैठिए। नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूं। क्या काका? हाँ अरे आपकी फिक्र होती है मुझे, और इसी फिक्र की वजह से मैंने बोला था किसी का भला मत कीजिए और किसी का बुरा भी मत कीजिए। सब आप पर ही उलट गया तो हाँ? लेकिन आप मानते ही नहीं।
नारियल रखा है ना वहाँ? मतलब वो मेरा हमेशा का है। अरे पर ये नए वकील का ऑफिस है, मैं रोज यहीं से जाता हूँ। ठीक है, तो आपने कॉल किसको किया था? कॉल? फोन किसको किया था? फोन नहीं, मैंने नहीं किया। दिखाइए फोन आपका। किस लिए? गेम खेलना है, फोटो निकालना है, फोटो। मैं जा रहा हूं यहां से। दे रहे हो या जबरदस्ती करो? विश्वास, एक मिनट। देवगी फोन दो। देता हूं। क्या हुआ? किसका नंबर है? दत्ता भैया। क्यों री, क्या हुआ? देविका, अरे छिपकली है वो, उससे क्या घबराना। अरे लगता है किसी किसी को डर। हाँ, जैसे तू कॉकरोच से डरती है वैसे ये छिपकली से डरती है। देवरानी जेठानी की अच्छी जोड़ी है। सुनो, अब पहले इसे निकालो। हाँ। गई छिपकली। और ये क्या, इतनी चीख सुनकर पति नहीं आया बाहर? वो बाहर गए हैं। कहाँ? पता नहीं। बोलिए, दत्ता भैया को इतने कॉल क्यों किए? क्यों किया? मतलब हम दोनों तो बात करते ही है ना। अभिराम, तू ही बता कि दत्ता को फोन नहीं करता क्या? हाँ सही बात है, लेकिन आज आपने इतने फोन क्यों किए? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं था। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, फोन लगाइए दत्ता भैया को। क्या, उनको क्यों फोन करूं? फोन कीजिए, नंबर डायल कीजिए आपके फोन से। रहने दीजिए। रहने दूं? रुकिए, मैं ही लगा देता हूं। हेलो रघु काका। दत्ता, अभी मैंने फोन। काका मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, अभी मैं काम में हूँ जरा। कौन थे? रघु काका। क्या बोल रहे थे रघु काका? कुछ नहीं, ऐसे ही फोन किया था उन्होंने। देविका तुम जाओ, कमरे में जाओ, आराम करो। और छिपकली दिखी ना तो डरना मत, हम हैं ना यहाँ। हाँ जाओ। क्यों जी, क्या हुआ? क्या बोल रहे थे रघु काका? कुछ नहीं, पर तुम क्या उसके सामने पूछती हो? उसने अभिराम को कुछ बता दिया तो? तुम्हें तो मालूम है, वो विश्वास राव को बता देगा, फिर से सवाल शुरू हो जाएंगे, फिर से सारी पूछताछ। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि आप यहां यूं ही आए थे, तो मुझे एक बात बताइए, आपका और नेने वकील का रिश्ता कैसा था? अभिराम, अब तू ही बता इनको। वो नहीं, आप बताइए, आपसे पूछा ना, आप बताइए। हम मिलते थे, बातें करते थे, दोस्ती का रिश्ता था हमारा। झगड़ा, बहस कुछ होता था? हमारा झगड़ा क्यों होने लगा,
कुछ हुआ तो हम एक दूसरे को बताते थे। अरे वाह, बहुत अच्छी दोस्ती थी आपकी, किसी की नजर ना लगे ऐसी, बहस नहीं, झगड़ा नहीं, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसी। ठीक है निकलो आप। एक मिनट, अब एक काम कीजिए। क्या? अभी जो पूजा की है ना, उसे जाते वक्त घर ले जाइए। और फिर से बता रहा हूं, अब रिटायर हो जाइए, हाँ? घर बैठिए, आराम कीजिए, समझ गए ना? अब जाइए। इस रघु का काका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है नेने वकील के मर्डर से। सुश्लिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बैठी हूँ। तू कहाँ से आ रहा है? मैं खेत से। अच्छा मुझे बता, तुझे घर में सब कैसा लग रहा है? नई भाभी आई है ना? भाभी भाभी अच्छी है, अभी भाऊ भी अच्छे हैं। तुझे हर कोई अच्छा लगता है रे, क्योंकि तेरा मन साफ है। जिसकी जैसी नजर, उसको दुनिया वैसी ही दिखती है। ऐसा क्या? हाँ सब अच्छे हैं, सभी, माधव भाऊ, दत्ता भाऊ, माई, भाभी, सब अच्छे हैं, सब। हाँ पर सुश्लिया, वो रघु काका है ना, वो अच्छे नहीं है। क्यों रे, क्या हुआ? मुझे दुल्हन नहीं दी ना। क्या? मुझे दुल्हन। तुझे शादी करनी है? हाँ शादी करनी है, अभी बहू की हुई ना शादी, वैसी शादी करनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा मुझे बता, तुझे कैसी दुल्हन चाहिए? दुल्हन कैसी? तुम्हारे जैसी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कैसी चाहिए? दुल्हन ना, वो भूल गया। अच्छा रघु काका तुझसे क्या कह रहे थे? रघु काका ने मुझसे कहा कि शादी करवा देता हूँ, दुल्हन लाकर दूंगा, पर नहीं दी। और तुझे दुल्हन देंगे भी नहीं? नहीं देंगे दुल्हन। उन्होंने तुझे फंसाया है। फंसाया है मुझे रघु काका ने? उन्होंने तुझसे झूठ बोला है, तुझे दुल्हन भी नहीं देंगे और वो तेरी शादी भी नहीं करवाएंगे। दुल्हन नहीं देंगे, शादी नहीं करवाएंगे, फंसाया मुझे, फंसाया है ना मुझे। मैं देख लूंगा उनको, रघु काका को देख लूंगा, देख लूंगा रघु काका को। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, रघु काका को, जिसकी बात पूरा गांव मानता है। छोड़ूंगा नहीं उसे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे विश्वास राव। क्या हुआ, अब तक आए नहीं क्या देवर जी? नहीं ना, पर आते ही होंगे। बड़ी भोली हो,
वक्त के बारे में आदमियों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। क्यों? क्या हुआ? देखो ना, देवर जी अब तक नहीं आए। विश्वास राव के साथ रहेगा तो तुम्हें वक्त देगा ऐसा नहीं लगता मुझे। मैं बोलूंगा तो गुस्सा आएगा। देविका, अब तुम ही समझाओ उसको। ऐसे गर्दन हिलाकर क्या होगा, धमकी दे देना कि जाते वक्त बता कर जाएं। क्या रे देविका, क्या हो गया? अरे वो कब से गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। पर गया कहाँ है वो? गया है उस विश्वास राव के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कहाँ गया उसके साथ? जांच कर रहा है ना वो। ये देखो आ गए। सुनो, अंदर चलो, कुछ काम है। दत्ता भैया, ये क्या है? हम आए और आप जा रहे हैं? क्या हुआ भैया? रघु काका को आपसे क्या काम था? मेरा क्या काम होगा? फोन पर तो बात होती होगी ना आपकी। मतलब क्या कहना है तुम्हें? नहीं मतलब आज कोई फोन वगैरह? नहीं, आज नहीं किया कोई फोन। भैया आज रघु काका के मोबाइल में आपका नंबर डायल किया गया है, देखा है हमने। अभिराम, तुम लोगों को मुझ पर शक है क्या? क्या है ये देवर जी, इस भाई ने आपके लिए सब कुछ किया और इसी पर शक कर रहे हो? शादी करते वक्त आपको भाभी चाहिए थी, भैया चाहिए था, और अब अच्छा एहसान चुका रहे हो? हाँ सुनो, देखा ना आपने, और करो भाई के लिए, और यही भाई आपके हाथ में हथकड़ी पहनाने की सोच रहा है। भाभी हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, इतना ही है कि वकील काका का खून जिस तरह से हुआ है वो किसी विधि के लिए किया गया होगा, ऐसा शक है। तुम्हें जमीन चाहिए ना? हाँ। उसके लिए एक बलि देनी पड़ेगी। करेगा तो उपाय बताता हूँ। करूंगा मैं। रघु काका ने मुझे ऐसा उपाय दिया था हमारी स्थिति सुधारने के लिए, मतलब मैं वो विधि रघु काका से करवाऊंगा, ऐसा कहना है क्या तुम लोगों का? वैसा नहीं होगा तो अच्छा ही है, पर आपको फिर एक बार बताता हूं, उस रघु काका से थोड़ा दूर ही रहिएगा। फालतू में आपको तकलीफ क्यों? हाँ? बाकी सच्चाई क्या है ये तो जल्दी पता चल जाएगा। ए भगवान, ये कौन आया है और कहां से आया है? मुझे धमकी देता है। अरे ये गांव मेरे कहे मुताबिक चलता है, मुझे सब बंद करने को कहता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। भगवान उसको तू ही देख, उस पुलिस वाले का मुंह हमेशा के लिए बंद कर, हमेशा के लिए बंद कर।